जागो इंडिया में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और हर भारतीय के लिए बहुत अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट में लगातार दूसरी बार जज चुने गए हैं। दलवीर भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था। जज बनने के लिए जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद दोनों जगहों पर बहुमत होना जरूरी था। 11 बार वोटिंग हुई लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। जनरल असेंबली में दलवीर के पास 2/3 बहुमत था लेकिन सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के जज के पास ज्यादा वोट थे। कोई नतीजा ना निकलने की वजह से आज फिर अंतिम दौर का मतदान होना था लेकिन ब्रिटेन के जज ने उम्मीदवारी वापस ले ली और दलवीर भंडारी को एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज चुन लिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 72 साल के इतिहास में पहली बार कोई ब्रिटिश जज नहीं होगा। दलवीर सिंह पहले से ही आईसीजे के जज रहे हैं। लगातार दूसरी बार वो जज की जंग लड़ रहे थे लेकिन सुरक्षा परिषद में रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन जैसे देशों के विरोध की वजह से उन्हें बहुमत नहीं मिल पा रहा था। ब्रिटिश उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद दलवीर को सुरक्षा परिषद के भी 15 वोट मिल गए और वो फिर से जज बन गए। दलवीर दूसरे ऐसे भारतीय जज हैं जिन्होंने 2 बार इंटरनेशनल कोर्ट का जज बनने का ये पद पाया है। तो बड़ी खबर आ रही है भारत के लिए क्योंकि जिस तरह से ये डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक जीत भी है भारत के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जब ये मतदान चल रहा था, भारत पिछड़ रहा था, उस वक्त भारत की ओर से भी दबाव डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। हर 3 साल में 5 जज चुने जाते हैं। 4 जजों का चुनाव 9 नवंबर को ही हो गया था लेकिन 5वें जज का फैसला नहीं हो पा रहा था। आज भी अगर मतदान में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो 6 लोगों की कमेटी जज का फैसला करती। जनरल असेंबली में दलवीर भंडारी के पास इतना ज्यादा वोट था कि ब्रिटेन को अपने उम्मीदवार की हार का डर सताने लगा। ब्रिटेन को लगा कि भारतीय उम्मीदवार से हार मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी किरकिरी होगी, इसलिए हार के डर से ब्रिटेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला कर लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दोबारा जज बने पद्म भूषण दलवीर भंडारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। 40 साल से भी ज्यादा वक्त से वो न्यायपालिका से जुड़े रहे हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट और 2012 में वो इंटरनेशनल कोर्ट में जज बने। और अब आपको बताते हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, क्योंकि कुलभूषण जाधव से भी मामला जुड़ा हुआ था। हालांकि सुषमा स्वराज ने इस पर खुशी जताई है, उन्होंने कहा है वंदे मातरम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की जीत हुई है, जय हिंद। तो ये कहा है सुषमा स्वराज ने, विदेश मंत्री, क्योंकि वाकई में ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है और मानना पड़ेगा कि जिस तरह से भारत लगातार इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत और अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है कि ब्रिटेन जैसे देश को भी पीछे हटना पड़ा क्योंकि 122 वोट भारत को मिल चुके थे जनरल असेंबली में। और आपको अकबरुद्दीन ने क्या कहा यह भी बताते हैं क्योंकि वहां पर नुमाइंदगी करते हैं भारत की यूनाइटेड नेशंस में। एक वोट बेहिसाब खुशी लेकर आया है भारत की ओर से, जस्टिस दलवीर भंडारी दोबारा आईसीजे के जज चुने गए हैं। तो यह कहना है सैयद अकबरुद्दीन का जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट दूत हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो आपको बताएं कि किस तरह से भारत ने बड़ी जीत हासिल की है यूनाइटेड नेशंस में। भारत के दलवीर भंडारी एक बार फिर से दूसरी बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज चुने गए हैं। तो आपको बता दें 40 साल से भी ज्यादा वक्त से वो न्यायपालिका से जुड़े रहे हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट और 2012 में वो इंटरनेशनल कोर्ट में जज बने। आईसीजे के जज के तौर पर उन्होंने कई बड़े मामले सुलझाए। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की फांसी रुकवाने में भी उनका अहम रोल रहा था। वो उन 10 जजों के पैनल में शामिल थे जिन्होंने फांसी रोकने का आदेश दिया था। अब उनके एक बार फिर से जज बन जाने से इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की अहमियत और मजबूत रहने की उम्मीद जताई जा रही है।